आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, हम जो नुस्खे आपको बताते हैं वो वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से उसे सब्सक्राइब कराएं। आप चाहते हैं कि फ्री में घर बैठे आपको नोटिफिकेशन मिले तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन भी घर बैठे मिल सकेगा। दोस्तों, नमक यानी सोडियम का सेवन सीमित मात्रा में करना ही शरीर के लिए फायदेमंद होता है। नींबू विटामिन सी के गुणों से भरपूर होता है, साथ ही इसमें टी ऑक्सीडेंट के गुण भी होते हैं। ये शरीर से विषाक्त पदार्थों को दूर कर देता है, शरीर को साफ करने में मददगार है। वहीं काली मिर्च को तो किंग ऑफ स्पाइस माना जाता है। इसमें कई औषधीय गुण होते हैं, जब ये तीनों आपस में मिल जाते हैं तो कई बीमारियों का खात्मा चुटकी में कर देते हैं। तो आइए जान लेते हैं इनके फायदे। सर्दी खांसी में आराम मिलता है। काली मिर्च, नींबू और नमक का मिश्रण एक साथ लेने से सर्दी और कफ में राहत मिलती है। इसके सेवन से खांसी में भी आराम मिलता है। इन तीनों का मिश्रण अगर गर्म पानी के साथ लिया जाए तो ये शरीर में गर्मी का उत्पादन करके नाक की नली में हुई सूजन को कम करेगा और बंद नाक को खोल देगा। इस मिश्रण में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो गले में पनप रहे बैक्टीरियाज का नाश करके गले के दर्द से राहत दिलाते हैं। दोस्तों, ये पथरी को निकालता है और वजन भी घटाता है। गॉल ब्लैडर की पथरी को निकालने के लिए भी इन तीनों का इस्तेमाल लाभकारी होता है। इन तीनों के मिश्रण के साथ जैतून का तेल भी मिलाकर इसका सेवन करें। इसमें काफी उच्च मात्रा में सिट्रिक एसिड होता है, जिसके प्रभाव से किडनी में मौजूद कैल्शियम और ऑक्सालेट की पथरी घुल जाती है, लेकिन इसको नियमित लेना होगा। साथ ही वजन घटाने के लिए भी एक कारगर नुस्खा है। रोज सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ इस मिश्रण को लेने से शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है और वजन घटाने में मदद मिलती है। दोस्तों, ये दांतों की समस्या को खत्म करता है। अगर आपके दांतों में खून आने की समस्या हो या दांतों में दर्द हो रहा हो, नींबू नमक के साथ काली मिर्च को गर्म पानी में मिलाकर कुल्ला कीजिए, आपका दांत का दर्द खत्म हो जाएगा। ऐसा करने से पायरिया भी ठीक होता है, दांतों में चमक आती है। नींबू के रस में थोड़ा नमक और काली मिर्च मिलाकर दांतों की मालिश करें और थोड़े समय के लिए छोड़ दें, फिर गर्म पानी से कुल्ला कर लें, मुंह से बदबू आने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, बदहजमी को दूर करेगा। अगर आपको बदहजमी या हाजमा खराब होने की शिकायत हो तो कटे नींबू के आधे टुकड़े के बीज निकालकर काली मिर्च और कारा नमक भरें, इसे तवे पर थोड़ा गर्म करके चूसें, आपकी बदहजमी की शिकायत दूर हो जाएगी। पेट में गैस की समस्या होने पर एक कप पानी में आधा नींबू का रस, आधा चम्मच पिसी काली मिर्च और आधा चम्मच काला नमक मिलाकर पिएं। ये तीनों मिश्रण आपके पेट में बढ़े हुए एसिड को कम कर देते हैं, इसलिए आपको जब भी एसिडिटी का एहसास हो तो इसे लेना ना भूलें। दोस्तों, ये फ्लू से भी बचाता है। नींबू में पिसी काली मिर्च व नमक छिड़ककर जरा सा गर्म पानी करके चूसने से मलेरिया ज्वर में आराम मिलता है। अगर इस मिश्रण को शहद के साथ खाएं तो फ्लू पैदा करने वाले वायरस और रोगाणुओं की छुट्टी हो जाती है। इसके सेवन से रक्त संचार भी सुधरता है। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है, जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।